बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता जा रहा है और अब इसी का नतीजा है कि बलूचिस्तान में हुए एक हंगामे में एक पाकिस्तानी सेना का जवान मारा गया जबकि 16 दूसरे सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ग्वादर जिले में प्रदर्शन हुआ जिसका नाम था बलूच नेशनल गैदरिंग। यहाँ बलूचिस्तान के लोग अपने हक हकूक की मांग को लेकर सड़कों पर आए थे और इसी का प्रदर्शन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान हंगामा हो गया और इसके बाद काफी देर तक वहां उपद्रव होता रहा। पाकिस्तानी सेना की तरफ से कहा गया है कि बिना किसी प्रोवोकेशन के ही वहां मौजूद प्रदर्शनकारी भड़क उठे और उन्होंने हमला कर दिया जिसमें 16 जवान जिसमें ऑफिसर रैंक के अधिकारी भी शामिल है वो घायल हुए हैं। आर्मी ने यह भी बताया है कि सोशल मीडिया पर अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए और लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रोपोगंडा वाले वीडियो फैलाए जा रहे हैं जिसके जरिए जो वहां घटना हुई उसे छिपाया जा सके। सेना का कहना है कि सुरक्षा बलों ने बहुत धैर्य धरा और किसी भी तरीके की कोई आक्रोशित कार्रवाई नहीं की। जिस तरह से वहां मॉब सैनिकों के खिलाफ हमला कर रहा था वो काफी भयानक था। आर्मी की तरफ से ये भी बताया गया है कि कोई भी नागरिक इस तरह के प्रोपोगंडा का हिस्सा ना बने और कानून व्यवस्था को लागू करने में मदद करता रहे। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले के बाद बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने भी ग्वादर में हुए इस प्रदर्शन को लेकर निंदा की है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अब आगे से कोई भी प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार बलूचिस्तान के प्रदर्शन को रोकने के लिए कई तरीके अपनाए गए थे जिसमें बताया ये गया कि रोड पर बड़े बड़े ब्लॉकेज क्रिएट किए गए ताकि हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर ना उतरे, ना ही किसी तरह का कोई उपद्रव हो। लेकिन बताया जा रहा है कि एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर सबसे पहले हंगामा हुआ, वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आम नागरिकों को पाकिस्तानी सेना ने मारा जिसके बाद ये पूरा मामला भड़क गया। इस पूरे मामले में अब तक बताया जा रहा है कि 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारी संख्या में ग्वादर के मरीन ड्राइव पर ये लोग बलूच नेशनल गैदरिंग को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे जहां वो बलूचिस्तानी अपने हक की मांग कर रहे थे। लेकिन तभी बताया जा रहा है कि तलहर चेक पोस्ट के पास सुरक्षा बलों ने वहां कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की जिसके बाद ये पूरा उपद्रव भड़क गया और नतीजा ये हुआ कि वहां पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कुछ घायल भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।